डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिज़िक्स को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग क्लास 12th में फिज़िक्स में इसके पहले तीसरे खंड को पढ़ रहे थे, जिसका नाम था पिछले चैप्टर को जिसका नाम था पार्थिव चुंबक। ठीक है, वो खंड 3 का चैप्टर था। तो इस तरीके से हम लोग पूरे खंड 3 को भी ख़त्म कर दिए हैं और उसके अंदर का जो दो चैप्टर था उस दोनों चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, आज एक नए खंड की शुरुआत हो रही है फिजिक्स में। जैसा कि जानते हैं टोटल 6 खंड है, आज हम लोग चौथे खंड की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, और विद्युत चुंबकीय तरंगे ये खंड का भी नाम हुआ। और इसमें मात्र और मात्र एक ही चैप्टर है। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स में टोटल 6 खंड है, 6 खंड में कुछ ना कुछ चैप्टर पढ़नी होती है, लेकिन इस खंड 4 वाले खंड में एक ही चैप्टर है। उस चैप्टर का भी नाम वही है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें मात्र और मात्र एक ही चैप्टर है। अगर ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया तो खंड 4 हम लोगों को फिजिक्स में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस खंड में मात्र एक ही चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और उस खंड का भी नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत कौन कौन से हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ से निकलती है। तो टॉपिक बनाएंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत, ये टॉपिक्स लेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग नाम किसने रखा। तो किसी भी तरंग को, विद्युत चुंबकीय तरंग को नाम रखने वाले जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ही इनका प्रूफ किया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत के बारे में जानकारी दी। तो इससे सवाल आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की, तो राइट आंसर इज मैक्सवेल। ठीक है, तो लिखा जाए नेक्स्ट एरो, फर्स्ट एरो लिखा जाए इस टॉपिक का, लिखा जाए विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने किया। ध्यान रहे, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो खोज है वो किसने किया, तो मैक्सवेल ने। ठीक है, सॉरी, तो मैक्सवेल ने किया। ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल ने अपने प्रयोग के सिद्धांत पर, प्रयोग के दौरान क्या क्या बात बताया, चलिए उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। सेकेंड एरो में लिखेंगे मैक्सवेल ने यह भी सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल के बराबर होता है,
तथा उन्होंने यह अनुमान लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए, सबसे पहले बात समझिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत में कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो खोज किया उसको किसने किया, तो एक मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने किया। अब मैक्सवेल ने अपने प्रयोगों के दौरान यह सिद्ध किया, यह बतलाया कि तरंगों का जो चाल है ना, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चाल है वो प्रकाश की चाल यानी कि सी से सूचित किया जाता है ना। और प्रकाश की चाल कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि प्रकाश जब हम लोग टॉर्च से लाइट निकालते हैं ना, 1 सेकेंड में वो कितना के वेग से करता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। कोई भी प्रकाश हो हवा में कितनी कितनी से चलती है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर अगर बात करें मीटर में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाख में है तो किलोमीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में चेंज होगा तो और बढ़ जाएगा, हाँ 8 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का खोज किया, और मैक्सवेल ने यह भी सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चाल है वो प्रकाश के चाल के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब यह अनुमान लगाया कि प्रकाश भी क्या है, ध्यान दीजिए, प्रकाश भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी आज से अगर कोई सवाल बोलेगा कि प्रकाश कौन सी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जैसा बिहेवियर करता है प्रकाश को भी हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग बोल सकते हैं। पक्की बात है जी, हाँ। अच्छा, ये कोई पूछेगा कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग तुम क्यों बोल रहे हो, आखिर प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग ही क्यों बोल रहे हो, तो हम बोलेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का खोज मैक्सवेल ने किया था, और मैक्सवेल ने यह सिद्ध किया था कि जो प्रकाश की चाल है विद्युत चुंबकीय तरंगों के चाल के बराबर था, इसलिए वह उसने अनुमान लगाया कि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत निम्नलिखित है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत, स्रोत का मतलब, देखिए स्रोत का मतलब है कि जहां से निकलता है। जैसे मान लिया कि पानी का स्रोत क्या है, तो पानी अगर नदी का स्रोत है, अगर मान लिया कि नदी से ही ना पानी मिलता है, अगर मान लिया कि पानी का स्रोत तो मेरा मिट्टी या पृथ्वी भी है, तो स्रोत का मतलब जहाँ से हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग स्रोत कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्रोत। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि स्रोत का मतलब होता है कि कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत के बारे में यहाँ लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत निम्नलिखित है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत निम्नलिखित है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत निम्नलिखित है, पहला ए बी सी ऐसे करके लिखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत निम्नलिखित है, ए में लिखेंगे टीवी के प्रसारण से, टीवी के प्रसारण से। दूसरा रेडार से, रेडार से। फिर है एक्स किरणें से,
एक्स किरणों से चलिए तो ये तीन जगह से मुख्य रूप से यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगों निकलते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टीवी के प्रसारण से, यानी कि टीवी का जो प्रसारण किया जाता है, यानी कि टीवी में जो हम लोग चैनल के माध्यम से उधर ऊपर डिश टीवी लगाते हैं, तो उससे हम लोग को विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। तो टीवी के प्रसारण में भी रेडार, रेडार से हम लोगों को पता चल जाता है कि आखिर हमें किस डायरेक्शन में, जैसे पता होना चाहिए, जैसे ऊपर हवाई जहाज़ उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, तो उसको कैसे पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है या किधर हम जा रहे हैं, तो वो रेडार, रेडार से डिसाइड करता है, जो एक विद्युत चुंबकीय तरंगों पे आश्रित होता है, वहाँ से भी विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। और भाई नहीं, जैसे कि हम लोगों का अगर हड्डी वगैरह ब्रेक हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम लोग जाते हैं ना भाई एक्सरे करवा लो, ताकि वहाँ पर पता चल जाता है। तो एक्स किरणें उत्सर्जित होती है, वो भी क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का ही स्रोत है, यानी कि उसमें भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक लिखा जाए विद्युत चुंबकीय तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन और अभिज्ञान, उत्पादन और अभिज्ञान। देख पा रहे होंगे आप कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन और अभिज्ञान किसके का, किसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके बारे में तो अभी हम लोग जाने, लेकिन इसके उत्पादन और अभिज्ञान, उत्पादन का मतलब जहाँ से प्रोड्यूस होता है, जैसे मान लिया कि हम लोग पेन यूज कर रहे हैं, तो पेन का उत्पादन कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा, उत्पादन का मतलब बनना, इसका प्रोड्यूस होना। ठीक है, और अभिज्ञान का मतलब बनने के बाद हम लोगों को क्या क्या, उससे क्या यूज है उसका, उससे हम लोग क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अभिज्ञान हुआ ये। ठीक है, तो हम लोग अब जो पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अभिज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसके पहले, सबसे पहले फर्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मनी ऐसे लिखेंगे, जर्मनी के वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज, हेनरिक हर्ट्ज ने प्रयोगों द्वारा, ने प्रयोगों द्वारा मैक्सवेल के सिद्धांत की पुष्टि की, मैक्सवेल के सिद्धांत की पुष्टि की तथा तथा इनकी चालों को मापा, इनकी चालों को मापा, जो जो ठीक, जो ठीक ठीक प्रकाश के चाल के बराबर निकला, जो ठीक प्रकाश के चाल के बराबर निकला। देखिए उसके बाद हम लोग अभी अभी हम लोग उत्पादन अभिज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जर्मनी के वैज्ञानिक, याद रखिएगा नाम क्या है, हेनरिक हर्ट्ज। अब ये जब अपना खोज विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊपर प्रारंभ किया, तो मैक्सवेल के सिद्धांत का पुष्टि करने के लिए, मैक्सवेल ने क्या बताया था, हम लोग पढ़े ना कि मैक्सवेल ने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की चाल दोनों का समान होता है, इसलिए हम लोग प्रकाश को भी विद्युत चुंबकीय तरंग बोल सकते हैं। तो इसी को पुष्टि करने के लिए एक जर्मनी के वैज्ञानिक हर्ट्ज, पूरा नाम है हेनरिक हर्ट्ज, ने इनकी चालों को मापा, मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चाल को मापा और पाया कि एकदम बिल्कुल ठीक ठीक प्रकाश के चाल के बराबर आ रहा था। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट आरो देंगे,
1895 ईस्वी में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, जगदीश चंद्र बसु, नाम सुने होंगे, जगदीश चंद्र बसु ने 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 5 mm से 25 mm तक, 5 mm से 25 mm तक के तरंग धैर्य के विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने में सफलता पाई, देखिए अब उसके बाद एक सफलता और पाया गया भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा, कब, 1895 ईस्वी में। वैज्ञानिक का नाम है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने 1895 ईस्वी में 5 mm, समझ रहे ना कितना होता है, 5 मिलीमीटर से 25 mm, 25 mm यानी कि 5 मिलीमीटर से 25 mm तक के तरंग धैर्य के, यानी कि बोला गया कि 5 mm से 25 mm तक का कोई पदार्थ है उससे तरंग धैर्य उत्पन्न करके, विद्युत चुंबकीय तरंग प्राप्त किया था, तो अगर सवाल आएगा कि किस वैज्ञानिक ने 5 mm से 25 mm के बीच वाले पदार्थ से तरंग धैर्य उत्पन्न किया और उस तरंग धैर्य से विद्युत चुंबकीय तरंग प्राप्त किया, तो उनका नाम होगा जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु एक भारतीय वैज्ञानिक है जो 1895 ईस्वी में एक बहुत अच्छी सफलता हासिल की कि 5 mm से 25 mm तक के बीच में एक पदार्थ से तरंग धैर्य उत्पन्न किया और उससे विद्युत चुंबकीय तरंग प्राप्त किया। ठीक है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट, एरो। इटली के वैज्ञानिक, अठारह सौ छियासी ईस्वी में, ब्रैकेट में नाम दे दीजिए, गुलियेमो, मार्कोनी, ठीक है, क्या लिखे फिर से मिलाइएगा। इटली के वैज्ञानिक 1896 ईस्वी में, के बाद ब्रैकेट में उनका नाम लिख दीजिएगा, गुलियेमो मार्कोनी ने कई किलोमीटर दूरियों तक, तरंग को भेजने में, सफलता प्राप्त की, चलिए अब एक ध्यान देने वाला बात है कि 1896, ध्यान दीजिएगा, 1895 में तो जगदीश चंद्र बसु ने सफलता हासिल की, जस्ट उसके एक साल बाद 1896 ईस्वी में एक इटली के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था गुलियेमो मार्कोनी। नाम क्या था? गुलियेमो मार्कोनी। अब गुलियेमो मार्कोनी ने एक बहुत ही बढ़िया सफलता हासिल की, उन्होंने कई किलोमीटर दूरी तक तरंग को भेजने में सफलता, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तरंग को
भेजने में सफलता हासिल की। किन्होंने? गुलियेमो मार्कोनी। ठीक है, अब मार्कोनी से आपको याद आ रहा होगा कि रेडियो के जो खोजकर्ता है ना, वो मार्कोनी ही हैं। आपको याद करते होंगे पहले बचपन में जब आप 7-8 में होंगे तो जीके के रेडियो के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी है। तो यही मार्कोनी साहब ने एक जगह से दूसरे जगह तरंग को भेजने में सफलता प्राप्त की और फिर इसी आधार पर इन्होंने रेडियो का भी संचार किया जो दूर दूर तक संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तो उसके नीचे लिखा जाए नेक्स्ट एरो में, मार्कोनी ने मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार कर दूर दूर तक संदेशों को भेजने में भी सफलता हासिल की। दूर दूर तक संकेतों को भेजने में भी सफलता हासिल की। जी हाँ, बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे कि तरंग को जब भेजना स्टार्ट कर दिया, जब एक जगह से दूसरी जगह तरंग को भेजा गया, तो यहाँ पे मार्कोनी साहब ने ही सफलता हासिल किया गया। तो अब रेडियो का जो आविष्कार है, रेडियो में भी ऐसा कुछ किया कि एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश को, समाचार को पहुँचाया जाए, और फिर रेडियो का आविष्कार हुआ, लोग आराम से चालू करते थे और फिर दूर दूर तक न्यूज वगैरह, संदेश वगैरह सुना करते थे, जिसमें हम लोग मार्कोनी का ही देखते हैं कि मार्कोनी का ही खोज हुआ। मार्कोनी ने ही खोज की किसकी? रेडियो की। चलिए अब हम लोग लिखेंगे एक छोटा सा टॉपिक ऐसे करके, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन के बारे में। देखिए, हम लोग जो ऊपर टॉपिक बनाए हैं ना, वो दोनों एक ही साथ बना दिए हैं, उत्पादन और अभिज्ञान। लेकिन अब जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ पे जो पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके नीचे एरो दिया जाए, लिखा जाए हर्ट्ज ने, जिसका पूरा नाम हेनरिक हर्ट्ज है, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, लिखेंगे हर्ट्ज ने, शॉर्ट में लिखेंगे हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के लिए एक परिपथ का प्रयोग किया था इसमें ए तथा बी, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, ए तथा दो प्लेटें थी जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर था। पूर्ण विराम ये प्लेटें तांबे के मोटे तारों द्वारा धातु की दो पॉलिश की हुई घुंडियों
सी तथा डी से जुड़ी थी, सी तथा डी से जुड़ी थी। सी तथा डी से जुड़ी थी। चलिए अब देखते हैं कि उत्पादन में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन कैसे होता है और इसका उत्पादन में हर्ट्ज ने किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक एक यहाँ पे ए और बी, हम जैसा कि जानते हैं ए और बी क्या है, यहाँ पे ठीक है, ये है ए और ये है बी। दो ए और बी हर्ट्ज ने पीतल की दो प्लेट लिया, ऐसा प्लेट ठीक है। देखिए अभी हम लोग उत्पादन सीख रहे हैं, उत्पादन का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पत्ति हुआ, वो कैसे निकला, इस संबंध में हर्ट्ज ने क्या प्रयोग किया उसके बारे में। हुआ क्या, ए और बी दो तांबे का क्या लिया उन्होंने, प्लेट लिया जिसका क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी प्रत्येक का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर था। और इससे ए और बी से जुड़ा हुआ था दो घुंडी, घुंडी का मतलब होता है जैसे इससे भी और इससे भी, ये हम लोगों को सी और डी घुंडी है, सी भी घुंडी है और डी भी घुंडी है, ये घुंडी से जुड़ा हुआ है एक ये पार्ट्स और एक ये पार्ट्स, सी और डी घुंडी। घुंडी का मतलब जैसे ऐसे करके ऐसे घूमता नहीं है, जिसको बोलते हैं चक्कर ठीक है। तो सी और डी दो घुंडी है और ये हम लोगों को रोटेटिंग फॉर्म में, ये देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब घूमने वाला को दर्शा रहा है कि इस तरीके से हम लोग घूम रहा है। 3D है तो हम लोग यहाँ पे शो नहीं कर पा रहे, और इसको एक क्वाइल के साथ जोड़ दिया जाता है, और यही क्वाइल के कारण जब उस सी और डी के घुंडियों को घुमाया जाता है, ये देखिए हम लोगों को क्या है, ये क्वाइल है, मतलब कि इसमें कुंडली रखा है और इसी कुंडली से उत्पन्न होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर्ट्ज द्वारा विद्युतीय चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति, यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि ये हर्ट्ज ने इस तरीके का प्रयोग किया, एक कुंडली से जोड़ा और यहीं से प्रोड्यूस होने लगता है, यहीं से विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होने लगती है। तो ये उसके नीचे फिगर बना दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि हर्ट्ज द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति हुई ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, छोटा सा टॉपिक, जैसे अभी उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो अब यहाँ पर लिखा जाए विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिज्ञान। अब अभिज्ञान क्या है, तो अभिज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इससे जो चुंबकीय तरंग प्राप्त हुआ, हम लोग इसका इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं, इससे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इससे हम लोगों को क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो इसके बारे में हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे टॉपिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।